हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6, क्लास 12th है और चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आप सबसे एक ही गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इन केस ज़रूरी हो तो अपना कमेंट ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। अब करते हैं हम क्वेश्चन। तो देखिए जी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमने लिख ली है, द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद फिक्स्ड बेस बी आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 cm/s। हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन टू साइड्स आर इक्वल टू द बेस। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है और हमें सॉल्व क्या करना है। साथ ही में इस क्वेश्चन में मैं एक आपको जेई के लिए शॉर्टकट भी बताऊंगा जितना भी पॉसिबल हो सकेगा इस क्वेश्चन में, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं और हमें एक ट्रायंगल की ज़रूरत है तो एक ट्रायंगल भी बना लेते हैं। इट सेज कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो लीजिए हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया। ट्रायंगल का नाम कर लेते हैं ए बी सी। फिक्स्ड बेस बी गिवन है हमें और ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो इसकी इक्वल साइड्स हैं उनकी लेंथ जो है वो एक्स है। क्वेश्चन में गिवन क्या है वो देख लेते हैं कि इक्वल साइड्स जो हैं वो डिक्रीज हो रही हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये गिवन है हमें। और क्वेश्चन में जो हमें ढूंढना है विच इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड जो है वो है डी ए विद रिस्पेक्ट टू डी टी, तो यानी चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ये चीज़ हमें ढूंढनी है। लेकिन इम्पॉर्टेंटली इक्वल साइड्स बिकम इक्वल टू द बेस, ये आप खुद से लिख लीजिएगा कि लेट ट्राइंगल ए बी सी बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद फिक्स्ड बेस बी एंड एक्स इज द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है जी, अब हम कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। हमें अब चाहिए क्या इस क्वेश्चन में, परपेंडिकुलर। तो चलिए ट्रायंगल एबीसी में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। लीजिए परपेंडिकुलर आ गया है हमारे पास, इसका नाम हम रख लेते हैं डी। तो इस पॉइंट जहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है उसका नाम हमने रख लिया डी। इसका मतलब क्या है, एबीसी जो ट्रायंगल है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर जो होता है वो ट्रायंगल और बेस को बाइसेक्ट करता है। ट्रायंगल का एरिया बाइसेक्ट हो जाता है और बेस की लेंथ बाइसेक्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि बी डी जो बन जाएगा वो बी अपॉन टू हो जाएगा और डी सी जो बन जाएगा वो भी बी अपॉन टू हो जाएगा और ट्रायंगल ए बी डी जो हो जाएगा वो एक राइट ट्रायंगल हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमें पाइथागोरस का यूज़ करना पड़ेगा। अब हम करते हैं आगे, क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। सारा कुछ लिखने और फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी डी बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। यहाँ पे ए बी x सेंटीमीटर है, दिस इज बी अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस ए डी का होल स्क्वायर। नाउ ए डी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर एंड ए डी स्क्वायर दूसरी तरफ जाके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर। और इसको भी अगर हम आगे लिखना चाहें तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर इंटू वन बाय टू, ये हमारे पास लेंथ ऑफ दी परपेंडिकुलर आ गया है। अब हम आगे लिख लेते हैं, वी नो दैट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देयरफोर ये जो ट्राइंगल हमारा है ए बी सी, तो लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हाफ इंटू, इसका बेस क्या है बी सी और इसकी हाइट क्या है ए डी और हाइट की लेंथ क्या है ये। सो लेट्स राइट,
तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ इंटू बी सी बी है और हाइट कितनी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बी इंटू वन बाय टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और वो भी अंडर रूट में, वन बाय टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अब थोड़ा सा इकट्ठा करके लिख लेते हैं, ये आ जाएगा वन बाय फोर बी फोर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और पावर में वन बाय टू आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहता हूँ, इन दोनों में से कुछ भी ये होता है एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, जो जेई के शॉर्टकट की बात कर रहा था मैं, उसमें ये चीज़ यूज़ होगी। वन अपॉन फोर बेस इंटू फोर एक्स स्क्वायर यानी फोर इंटू इक्वल साइड का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर का अंडर रूट, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। और जब ये याद होगा और इसके बाद सारा प्रोसीजर सेम है, जब आप इसको जेई में लगाएंगे तो ये फटाफट आ जाएगा, आपको इतना सारा काम करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा इट्स ऑलवेज वन अपॉन फोर बेस फिर अंडर रूट में फोर इंटू इक्वल साइड का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अब हम लिखेंगे यहाँ पे चेंज इन द एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फॉर चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू वन बाय फोर बी, और ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है क्योंकि बेस गिवन है, वन बाय फोर नंबर्स हैं तो ये कांस्टेंट रहेंगे। ये मैं पहले भी बता के आया हूँ कि जो चीज़ गिवन होती है दैट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। तो डी अपॉन डी टी फोर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर वन बाय टू, अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो देखिए बी अपॉन फोर इंटू डिनोमिनेटर में, अगर आपको डिफ्रेंशिएशन अच्छे से आती है तो आप इसमें कभी भी गलती नहीं करेंगे, इंटू वन बाय टू हो जाएगा, फिर फोर इंटू टू एक्स माइनस ज़ीरो आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे आएगा हमारे पास बी अपॉन एट, और उससे पहले क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट हो रहा था तो डी एक्स बाय डी टी बाय चेन रूल भी हमें करना है। यहाँ आ जाएगा इंटू एट एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर फोर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये और ये वाला एट कट जाएगा, बी एक्स आ जाएगा, यहाँ पे आएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज़ वॉट वी नीड। तो ये हमारे पास आ गया है डी ए बाय डी टी, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि व्हेन बेस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स, और याद रखिएगा डी एक्स बाय डी टी हमारे पास है तो हम यहाँ पे माइनस थ्री लिख लेंगे, हमने शुरुआत में भी लिखा था, मैं आपको बता भी देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये इसको आप वन नाम दे लीजिए और नीचे जाके आप लिख सकते हैं फ्रॉम वन, यहाँ पे फ्रॉम वन। अब आप ये देखिए नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डी ए बाय डी टी एट एक्स इज इक्वल टू बी, और एक बात आप याद रखिएगा कि जब वेरिएबल कांस्टेंट के इक्वल करना होता है तो आपको क्वेश्चन में वेरिएबल उड़ाने होते हैं और कांस्टेंट्स लेके आने होते हैं। तो देखिए माइनस थ्री बी इंटू बी अपॉन फोर बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस थ्री बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट थ्री बी स्क्वायर। तो अगर ये सारा कुछ इसको काट देगा, जिसे मैं थोड़ा सा बढ़ा के लिखता हूँ b इंटू अंडर रूट थ्री, तो अगर ये इसे काटता है तो यहाँ अंडर रूट थ्री आ जाएगा, स्क्वायर से b कट गया तो अब हमारे पास क्या बचा माइनस रूट थ्री बी। तो मैं पहले भी बता के आ चुका हूँ कि माइनस सिग्निफाई करता है किसे, डिक्रीज को, ओके। और
जेई के शॉर्टकट की अगर हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि एरिया क्या होता है ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, 1/4 इंटू बेस इंटू 4 इंटू इक्वल साइड का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। और उसके बाद प्रोसीजर सेम है, आप करेंगे तो आपके क्वेश्चन में टाइम जो है आधे से भी कम लगेगा अगर आपको ये फॉर्मूला आता है। अब हम लिख सकते हैं कि देयरफोर एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिक्रीजेस एट अंडर रूट 3b सेंटीमीटर्स पर सेकंड। और एक और बात याद रखिएगा कि अगर डिक्रीज लिखा है तो नेगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो सिंपल अंडर रूट 3b सेंटीमीटर पर सेकंड इज आर आंसर। अगर आपको कुछ भी पूछना है कमेंट सेक्शन में लिखिए, अदरवाइज प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल फॉर नेक्स्ट मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच।